हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का टॉपिक है दोस्तों एनसीईआरटी क्लास 9, जिसका चैप्टर नंबर नाम है वाइटल विलेजेस एंड थ्राइविंग टाउन्स। इसमें आप लोग ये देखिएगा दोस्तों कि विलेजेस मतलब एनशियंट इंडिया में विलेजेस कैसे होते थे, गांव कैसे होते थे, सिटीज के बारे में भी आप लोग देखिएगा, टाउन्स कैसे होते थे। आप लोग इसमें ये भी पढ़िएगा कि एग्रीकल्चर को, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए लोग कैसे करते थे, मतलब आयरन टूल्स का यूज कैसे करते थे, इरिगेशन कैसा होता था। सिटीज के बारे में भी आप लोग ये पढ़िएगा, कैसे मतलब सिटीज में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होते थे, ठीक है। क्राफ्ट के बारे में आप लोग जानिएगा, कॉइन्स के बारे में जाइए जानिएगा, स्टोरीज कैसे होते थे, आर्कियोलॉजी कैसा होता था सिटी में, ठीक है दोस्तों। फिर एक सर है अरिकमेडू, इसके बारे में पढ़िएगा। आप चलते हैं एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर पर, ठीक है, और इसको अच्छे से देखते हैं विथ द बुक। उससे पहले प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। लाइक्स कमेंट करना, शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। आप प्लीज इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, तभी आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। हेलो दोस्तों, ये है आज का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है वाइटल विलेजेस एंड थ्राइविंग टाउन्स। दोस्तों इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे विलेजेस उस जमाने में होते थे और टाउन्स वगैरह क्या क्या है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए पहला टॉपिक है आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर, मतलब कि उस जमाने में आयरन टूल्स कैसे होते थे, औजार कैसे होते थे, और एग्रीकल्चर खेती बाड़ी कैसे होता था। तो इसमें आप देखिए वी ऑफन टेक द यूज ऑफ आयरन फ्रॉम ग्रांटेड टूडे, मतलब आज के डेट में हम लोग जो बहुत सारे आयरन और स्टील की चीज़ें यूज करते हैं डेली लाइफ में, ठीक है, उनके बिना लाइफ लगभग पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो आयरन है वो आज से लगभग 3000 ईयर्स एगो, मतलब आज से लगभग 3000 साल पहले इसका शुरुआत हुआ था। अब बहुत सारे सम ऑफ द लार्ज कलेक्शंस ऑफ द आयरन टूल्स और वीपन जो थे वो मैगोलिथिक बुरियल्स में पाए गए हैं, मतलब चैप्टर नंबर 5 में आपने पढ़ा था मैगोलिथिक एज के बारे में, तो उस दौरान बहुत सारे आयरन टूल्स पाए गए हैं। तो दोस्तों आज से लगभग 2500 साल पहले बहुत सारे ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन टूल्स का भी हम लोगों को नमूना या अवशेष मिलता है। तो दिस इंक्लूडेड, उनमें क्या क्या थे, जैसे एक्सेस कुल्हाड़ी जो होती थी जंगलों को काटने के लिए, आयरन प्लो शेयर मतलब जिसे खेती बाड़ी होता था, इसे मिट्टी को मतलब गोड़ने के लिए होता था, आयरन प्लो शेयर जिसको बोल जोतने के लिए काम आता था, ठीक है। और चैप्टर नंबर 6 में भी हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि जो प्लो शेयर होता है उसे क्या होता है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन, मतलब और क्या क्या स्टेप्स था प्रोडक्शन को बढ़ाने का, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या था, इरीगेशन, ठीक है। तो जो किंग्स और किंगडम्स के बारे में आपने पढ़ा वो एग्जिस्टेड विदाउट द सपोर्ट ऑफ फ्लोरिंग विलेजेस, ठीक है, मतलब सपोर्ट ऑफ द फ्लोरिंग विलेज, विलेजेस के सपोर्ट के बिना ये जो किंग्स और किंगडम्स थे सर्वाइव नहीं कर सकते थे, फ्लोरिश नहीं कर सकते थे। तो वाइल न्यू टूल्स एंड सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, मतलब चैप्टर नंबर 6 में क्या पढ़ा है कि नए नए टूल्स जो कि आयरन प्लोसियर जोतने वाला काम होता था, और ट्रांसप्लांटेशन मतलब बिया को एक जगह बोकर और उससे जो छोटे छोटे पौधे निकलते थे दूसरी जगह बोया जाता था, इससे क्या होता था, प्रोडक्शन बढ़ा। इरिगेशन का भी यूज हुआ, तो इरिगेशन वर्क्स दैट वेयर बिल्ट ड्यूरिंग द टाइम इंक्लूडेड, वो जो इरिगेशन का जो एग्जाम्पल था उसके लिए क्या क्या बनाया गया, कैनल्स बनाए गए, वेल्स बनाए गए, टैंक्स और आर्टिफिशियल लेक्स वगैरह बनाए गए। तो इन सभी चीज़ों के सहायता से हमारा इरिगेशन होता था दोस्तों, ठीक है। अब ये चार्ट में आप लोग देखिएगा तो इसको अरेंज करना है कि मतलब प्रोसेस कैसा होता था, इरिगेशन का प्रोसेस कैसा होता था, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में देखिएगा कि किंग्स नीड मनी फॉर आर्मीज प्लेसेस और फोर्ट, मतलब किंग्स को, राजाओं को पैसा चाहिए था आर्मीज को मेंटेन करने के लिए, पैलेसेस को मेंटेन करने के लिए, फोर्ट को। तो दे डिमांड टैक्सेस फ्रॉम द फार्मर, तो उनको पैसे को इकट्ठे करने के लिए वो कैसे करते थे, टैक्स के रूप में लेते थे फार्मर से, ठीक है। अब जो तीसरा था वो फार्मर्स हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू पे टैक्सेस, मतलब कि फार्मर्स के टैक्सेस बढ़ जाने के कारण उनको अपना प्रोडक्शन को बढ़ाना रहता था, ठीक है। तो दिस इज पॉसिबल विथ इरिगेशन, तो ये तभी पॉसिबल हो सकता था जब इरिगेशन और फर्टिलिटी बढ़े, ठीक है। तो किंग्स प्रोवाइड मनी एंड प्लान इरिगेशन वर्क्स, उसके लिए क्या करते थे, जो राजा थे वो मनी सप्लाई करते थे और इरिगेशन वर्क को प्लान करते थे, ठीक है। तो लेबर इज प्रोवाइडेड बाई द पीपुल, और जो लेबर थे जो मजदूरी करते थे वो आम आदमी प्रोवाइड करते थे, ठीक है। तो इससे क्या होता, प्रोडक्शन बढ़ा, सो डज रेवेन्यू, रेवेन्यू भी बढ़ा। इसका असर ये हुआ कि फार्मर ऑल्सो बेनिफिट बिकॉज क्रॉप प्रोडक्शन इज मोर सर्टेन, ठीक है, और क्रॉप प्रोडक्शन भी सर्टेन होने लगा, मतलब केवल बारिश पर ही डिपेंड नहीं रहा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा अगला टॉपिक है हु लिव्ड इन द विलेजेस, मतलब विलेजेस में कौन रहते थे,
देयर वेयर एटलीस्ट थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपुल, मतलब थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपुल रहते थे जो विलेज में रहते थे, और ये जनरली साउदर्न इंडिया और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में होता था। तमिल में लार्ज लैंड ओनर्स मतलब जो बड़े बड़े जमींदार थे उनको वेल्ला लार बोला जाता था, ऑर्डिनरी प्लोमेन को क्या मतलब जो ऑर्डिनरी खेती बाड़ी करते थे उनको उजवार बोला जाता था, और जो लैंडलेस लेबर थे जिनके पास कोई जमीन नहीं था मजदूरी करते थे उनको स्लेव्स बोला जाता, जो मतलब स्लेव्स वगैरह भी थे उनको बोला जाता था कडासियार और अडिमाई, ठीक है, ये सब जनरली तमिल में बोला जाता था। ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में जो विलेज के हेडमैन थे, जो विलेज के सबसे हेड आदमी को ग्राम भोजका बोला जाता था, तो ये जो भोजका होते थे मेन फ्रॉम द सेम मतलब हेरिडिटरी था, मतलब उसके बाद उसका बेटा फिर उसके बाद बेटा मतलब जनरेशन एक ही फैमिली से चलता आता था, ठीक है, हेरिटिकल था। ग्राम भोजका वाज ऑफन द लार्जेस्ट लैंड ओनर, मतलब कि अपने गांव का सबसे बड़ा जो जमींदार था वही ग्राम भोजका बनता था। इसके पास बहुत सारे स्लेव थे, नौकर थे, उन्होंने वर्कर को हायर कर रखा था लैंड को कल्टीवेट करने के लिए। बिसाइड्स एज ही वॉज पावरफुल, उसके पास बहुत ही पावर था, इसलिए किंग ने उसे ही विलेज से गांव से टैक्स कलेक्ट करने का जिम्मेदारी दे दिया था। ही ऑल्सो फंक्शन एज एज जज, मतलब कि जो ग्राम भोज का था वो जज का भी काम करता था, कभी कभार पुलिसमैन का भी काम करता था। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ग्राम भोज का मतलब ग्राम भोज का के अलावा देयर वेयर अदर इंडिपेंडेंट, मतलब उनके अलावा भी इंडिपेंडेंट फार्मर्स होते थे, मतलब जो अपना खुद का फार्मिंग करते थे, खेती करते थे, उनको बोला जाता था गृहपति, ठीक है, जिसमें से ज़्यादातर क्या थे स्मॉल लैंड ओनर थे, मतलब इनके पास छोटे छोटे खेत थे। और एंड देन देयर वेयर मेन एंड वुमेन सच एज दासा, और एक जो था एक जो टाइप के थे लोग दास या कर्मकरा बोला जाता था, ठीक है, जिनके पास कोई खेत नहीं रहता था वो अपना अर्निंग दूसरों के खेत में काम कर कर पैसा कमाते थे। ठीक है, अब बहुत सारे विलेजेस में क्राफ्ट पर्सन भी रहते थे जैसे ब्लैक स्मिथ, पॉटर, कारपेंटर और वीवर वगैरह। तो ये दोस्तों देखिएगा द अर्लीस्ट तमिल कॉम्पोजिशन, सबसे पुराना जो तमिल कॉम्पोजिशन संगम लिटरेचर बोला जाता है दोस्तों, ठीक है, जो आज से लगभग 2300 साल पहले। तो दीज टेक्स्ट आर कॉल्ड संगम, मतलब इन जो टेक्स्ट को संगम इसलिए बोला जाता था क्योंकि दे आर सपोज टू बी कंपोज एंड कंपाइल इन द असेंबली नॉन एज संगमा, मतलब कि उनको उस दौरान असेंबलीज में कंपोज किया गया था जिसे संगमाज बोला जाता था, जिसमें बहुत सारे पोएट्स आते थे मदुरई में इकट्ठे होते थे। ठीक है, द तमिल टर्म्स मेंशन्ड एबव आर फाउंड इन द संगम लिटरेचर। ठीक है, फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज, अब हम लोग देखेंगे सिटीज के बारे में, स्टोरीज के बारे में, कैसे ट्रैवलर स्कल्पचर्स और आर्कियोलॉजी के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो यू मे हैव हर्ड ऑफ द जटकास, आप लोगों ने जटकास के बारे में जरूर सुना होगा, दीज वेयर स्टोरीज, ये ऐसे स्टोरीज होते थे जो मेनली ऑर्डिनरी पीपल द्वारा कंपोज किए जाते थे, और एंड देन रिटन डाउन एंड प्रिजर्व बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क, इनको बाद में बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने लिखा और प्रिजर्व करके संभाल कर रखा। हियर इज अ पार्ट ऑफ जटका स्टोरी, मतलब एक मतलब आपको जटका स्टोरीज के बारे में अगला मतलब बॉक्स में दिया गया है, इसमें ये बताया गया कि कैसे एक पुअर मैन, कैसे गरीब आदमी रिच बन गया, अमीर आदमी बन गया। ठीक है, तो इस स्टोरी में आप लोग देखिएगा कि द क्लेवर पुअर मैन, बहुत ही चालाक गरीब आदमी कैसे अमीर बना। तो वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की घटना है, एक बहुत ही क्लेवर, समझदार, इंटेलिजेंट, गरीब यंग मैन रहता था शहर में। उसका एक ही रिसोर्स था, डेड रैट, मतलब मरे हुए चूहे रिसोर्स थे। तो वो क्या करते थे, उसको सेलिंग करते थे, होटल्स में जाते हैं, मतलब होटल के जो ऑनर वगैरह रहते थे वहाँ पर जो आदमी आते थे, गेस्ट आते थे, उनकी बिल्लियों के लिए ये मरे हुए चूहे सप्लाई करता था और पैसे लेता था कॉइन्स के रूप में। एक दिन अचानक देयर वार ए स्टॉर्म, बहुत ही तूफान आया, किंग्स के गार्डन में पेड़ पौधे गिर गए, चारों तरफ ब्रांचेज ऑफ ट्रीज थे, लीव्स थे, यही सब थे। एंड द गार्डेनर वॉज एट ए लॉस एज टू हाउ टू क्लियर द मेज, गार्डेनर को समझ में नहीं आ रहा था वो कैसे कर रहे हैं। यंग मैन ने ऑफर किया कि मैं एक ही शर्त पर क्लियर करूंगा, जब ये सब जितने भी चीज़ें हैं, लकड़े हैं, लिप से मैं ले जाऊंगा। द यंग मैन राउंडेड अप ऑल द चिल्ड्रेन, मतलब यंग मैन ने जितने भी चिल्ड्रेन वहाँ खेल रहे थे उनको टॉफी का लालच देकर सारे चीज़ों को इकट्ठा करवाया और उसको एंट्रेंस के आसपास में मतलब जमा करवा दिया।
तो जस्ट देन द किंग्स पॉटर वॉज ऑन द लुक, मतलब कि जो किंग्स का पॉटर था, खाना बनाने वाला था, वो फ्यूल के लिए, ठीक है, मतलब अपने पॉट्स को, बर्तन को बेक करने के लिए, ठीक है, कच्चे बर्तन से होता है ना पक्के बनाने में, उसको बेक करने के लिए फ्यूल का इंतजाम कर रहा था, खोज रहा था। तो उसने ये देखा लॉर्ड, और मतलब उसने इस यंग मैन के जो लकड़ी थे, पत्ते थे सूखे हुए, उसको खरीद लिया। आवर यंग मैन नाउ थॉट ऑफ अनदर प्लान, मतलब इस यंग मैन ने एक और प्लान सोचा। ही कैरीड ए जार फुल ऑफ वाटर टू द सिटी गेट, उसने एक बहुत बड़ा बर्तन में पानी लेकर सिटी गेट पर ले गया, और लगभग 500 ग्रज घास काटने वाले लोगों को ऑफर किया, ठीक है। दे वेर प्लीज, लोगों ने बहुत ही खुश हुआ, और इसे बोले कि तुम जो भी मांगना है मांग लो, ठीक है, वाट कैन वी डू फॉर यू, मतलब हम लोग तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। तो उस यंग मैन ने बोला कि मैं जब ज़रूरत होगी तो आपको बता दूंगा। तभी एक दिन उससे ही देन मेड फ्रेंड्स विद द ट्रेडर, मतलब उसने अपने दोस्त ट्रेडर से भी बना लिए, व्यापारियों से भी बना लिए। तो एक दिन एक ट्रेडर जो था, उसने उसको बोला कि टुमारो ए हॉर्स डीलर इज कमिंग टू आवर टाउन, मतलब एक घोड़े का व्यापारी हमारे शहर में आ रहा 500 घोड़ों के साथ। तो ये सुनने के बाद ये जो यंग मैन था वो गया ग्रास कटर्स के पास, और उसने एक एक बंडल सभी से मांगे, और इसने यही भी बोला कि जब तक मैं सारा बेच ना दूं आप लोग नहीं बेचिएगा। इस तरह उसके पास 500 बंडल ऑफ ग्रास हो गए। जब हॉर्स डीलर कहीं नहीं घास उसको मिला, तो उसने इसके यंग मैन के घासों को लगभग 1000 क्वाइंस में खरीद लिया। इस तरह से वो अमीर बन गया, ठीक है, जब अपना दिमाग लगाया। तो वी कैन यूज अदर काइंड ऑफ एविडेंस टू फाइंड आउट अबाउट द लाइफ इन ऑफ द सिटीज अर्ली लाइफ, मतलब हम लोग और भी एविडेंस देखेंगे कैसे इन अर्ली सिटीज में लाइफ कैसा होता था। स्कल्पचर्स जो थे, जो मूर्तिकार थे, वो कार्व्ड सीन्स डिपिक्टिंग पीपल्स लाइफ इन द टाउन एंड विलेजेस, मतलब ये जो स्कल्पचर्स थे वो जो ऐसे सीन डिपिक्ट करते थे जो पीपल के लाइफ से जुड़े हुए रहते थे टाउन्स और विलेजेस में और फॉरेस्ट में, ठीक है। मैनी ऑफ दीज स्कल्पचर्स वेर यूज टू डेकोरेट रेलिंग, ये जो स्कल्पचर्स थे जनरली रेलिंग्स को डेकोरेट करने में आते थे, पिलर्स और गेटवेज ऑफ बिल्डिंग्स को भी क्या करते थे, डेकोरेट करते थे जहाँ पर लोग विजिट करते थे। इस पिक्चर में देखिए दोस्तों, ये गोल गोल रेलिंग टाइप का पॉट जैसा, ठीक है, इसके बारे में भी आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। तो ये जनरली दोस्तों कहाँ पाया गया है, देखिए, दिस इज ए स्कल्चर फ्रॉम द सांची ए साइट ऑफ स्तूपा इन मध्य प्रदेश, मतलब ये सांची के आसपास मध्य प्रदेश में ऐसा पाया गया है, ठीक है। इसमें आप देखिएगा कि वे वॉल्स आर शोन, कैसे ये वॉल्स बनाए गए हैं, ठीक है। अब इसके बारे में मतलब यहाँ भी एक ये देखिए सांची स्तूपा का, ये भी मतलब क्या स्कल्पचर्स हैं, ठीक है, कैसे वॉल्स पर पेंटिंग होते थे, मूर्ति वगैरह मतलब कैसे डेकोरेट किया जाते थे, देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, मैनी ऑफ द सिटीज दैट डेवलप फ्रॉम अबाउट 2500 ईयर्स एगो वेर कैपिटल्स ऑफ द महाजनपदा, मतलब कि जो भी इम्पोर्टेंट सिटीज वगैरह थे वो जनरली क्या थे, महाजनपदा से क्या थे, कैपिटल थे, राजधानी थी, जिसके बारे में आपने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ लिया। एज वी हैड सीन सम ऑफ दी सिटीज आर सराउंडेड बाई मैसिव फोर्टिफिकेशन वॉल, इन शहरों के चारों ओर बड़े बड़े फोर्टिफिकेशन दीवारें बनाई गई हैं। इन मैनी सिटीज, बहुत सारे सिटीज़ में आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या खोजा है, बहुत सारे रोज ऑफ पॉट्स, जैसे आप लोग ये देख रहे हैं रोज ऑफ पॉट्स, ठीक है, और सिरामिक रिंग्स अरेंज ऑन वन ऑन टॉप और ऑन द, मतलब एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर ऐसे, मतलब ठीक है, अरेंज किया हुआ, ठीक है, जो कि रिंग वेल्स की तरह दिखते हैं। दीज सीम्स टू हैव बीन यूज एज अ टॉयलेट इन सम केसेज, मतलब इनका कभी कभी टॉयलेट के रूप में भी यूज होता था, कभी ड्रेन्स के रूप में, कभी गार्बेज मतलब कूड़े कचरे को डंप करने के लिए। और ये जो रिंग वेल्स थे जनरली कहाँ पाए जाते थे, घरों के अंदर में। तो वी हैव हार्डली एनी रिमेन्स ऑफ पैलेसेज, मतलब उस दौरान की पैलेसेज के महल के बारे में, मार्केट्स के बारे में, ऑर्डिनरी पीपल के घर के बारे में बहुत कम ही या ना मात्रा का ही रिमेन्स बचा हुआ है दोस्तों, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ उन्होंने खोजा है। अदर्स मेड अप ऑफ वुड मड ब्रिक एंड हैच मे नॉट हैव सर्वाइव, ठीक है। और क्या कह रहा है कि अदर मतलब जो भी और भी चीज़ें हैं जो कि वुड से, लकड़ी से, मड ब्रिक से और हैच से, घास फूस से बनी हुई रहती है, वो सर्वाइव नहीं किए, मतलब सब खत्म हो गए। अनदर वे ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द अर्ली सिटीज इज फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ सेलर, मतलब और शहरों के बारे में कैसे पता चलता है, सेलर्स के बारे में, ट्रेवलर जो वहाँ घूमते थे वो और उसके बारे में डिटेल में लिख देते थे, ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने एक अननोन ग्रीक सेलर, मतलब ही डिस्क्राइब ऑल द पोर्ट्स ही विजिटेड, मतलब उसने जो अननोन ग्रीक सेलर था वो जितने भी पोर्ट्स विजिट किया था उसके बारे में वो अच्छे से वो लिखा था, ठीक है। उसने एक भरूच के बारे में भी बोला था, इसके बारे में आप लोग मतलब डिस्क्रिप्शन, मतलब भरूच के बारे में वो क्या किया था, डिस्क्रिप्शन किया था। तो ये रहा भरूच का डिस्क्रिप्शन दोस्तों, ठीक है।
गल्फ इज वेरी नैरो एट बारी गेजा, मतलब कि जो भरूच जो था वो कोस्टल इलाके में था, तो ये जो गल्फ था बहुत ही पतला था, वेरी हार्ड, मतलब इसमें जो सी से जो लोग आते थे सिप वगैरह से, तो बहुत ही हार्ड मुश्किल था नेविगेट करना अंदर, इसीलिए इस सिप को जो स्किलफुल और एक्सपीरियंस्ड लोकल फिश में, मतलब वहाँ के जो लोकल फिशरमैन थे वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड थे, जिसे किंग ने एम्प्लॉय किया था वही इसको मतलब अच्छे से लाते थे अंदर में। तो इम्पोर्ट से मतलब बेरी गेजा में क्या क्या इम्पोर्ट होता था, वाइन, कॉपर, टीन, लीड, कोरल, टॉपाज, क्लोथ्स, गोल्ड, सिल्वर कॉइन, मतलब ये फॉरेन कंट्री से ये सब मंगाया जाता था। और यहाँ से एक्सपोर्ट क्या होता था, मतलब यहाँ से क्या विदेशों में जाता था, प्लांट्स फ्रॉम द हिमालयाज, आइवरीज, मतलब जो दांत होते थे लंबे लंबे हाथियों के वो जाते थे, अगाटे जाता था, कैरनेलिन, कॉटन, सिल्क, परफ्यूम्स वगैरह जाते थे। और स्पेशल गिफ्ट्स भी आते थे, मर्चेंट लाते थे किंग्स के लिए, ठीक है। इसमें क्या क्या होता था, वेसल्स ऑफ सिल्वर, मतलब चांदी से बने हुए वेसल्स, सिंगिंग बॉयज, ब्यूटीफुल ओमेन, फाइन वाइन्स और फाइन क्लोथ, ये सभी क्या होता था, मर्चेंट्स गिफ्ट लाते थे राजाओं के लिए। अब यहाँ देखिए क्वाइंस, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने दोस्तों बहुत सारे क्वाइंस भी पाए गए हैं, ठीक है, इस पीरियड में। जो अर्लीस्ट क्वाइंस थे लोग आज से लगभग 500 साल पहले पाए गए हैं, ठीक है, मतलब वो उस दौरान 500 साल से वो लगातार यूज होते थे उस दौरान। तो वो जनरली थे क्या, पंच मार्क्ड क्वाइंस, मतलब ये ऐसे, मतलब उनको एक मतलब क्वाइन के ऊपर पंच मार्क किया जाता था, ठीक है, मेटल्स के ऊपर या तो सिल्वर या कॉपर होते थे, ठीक है। तो अदर मेथड ऑफ एक्सचेंज, मतलब बहुत सारे मेथड ऑफ एक्सचेंज होते थे, मतलब बार्टर होते थे, जैसे धान धान से भी लोग बार्टर करते थे साल्ट का, मतलब बहुत सारा तरीका था, ठीक है। सिटीज विथ मैनी फंक्शन, मतलब इसमें आप पढ़िएगा कि कैसे एक शहर का बहुत सारा फंक्शन था, काम था। वेरी ऑफन ए सिंगल टाउन वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर ए वेराइटी ऑफ रीजन, मतलब आप लोग देखिएगा कि जो सिंगल टाउन था बहुत सारे रीजन्स के लिए इम्पॉर्टेंट था। जैसे आप लोग मथुरा के बारे में देखिएगा कि मथुरा हैज़ बिन इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर देन 2500 साल, मतलब ये जो मथुरा था बहुत ही इम्पोर्टेंट सेटलमेंट था, जो आज मतलब लगभग 2500 साल तक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, बहुत बार इम्पोर्टेंट रूलर्स यहाँ पर आए। इट वॉज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट वॉज रिकॉर्डेड एट द क्रॉस रोड्स ऑफ द टू मेजर रूट्स ऑफ ट्रेवल एंड ट्रेड, मतलब ये इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि ये मेजर टू क्रॉस रोड्स के किनारे में पाया जाता था। वो कौन कौन से क्रॉस रोड थे, एक था नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट में जो रोड जाता था, और एक नॉर्थ से साउथ, मतलब इसके बीच में वो मथुरा पाया जाता था, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ क्या, देयर वेयर फोर्टिफिकेशन, मतलब शहर के चारों ओर फोर्टिफिकेशन था, बहुत सारे श्राइन्स थे, फार्मर जो हॉर्डर्स इस इलाके के चारों तरफ रहते थे वो पीपुल्स सिटी के लिए फूड वगैरह लाते थे। मथुरा और भी मतलब एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर्स भी यहाँ पर मथुरा में पाए गए हैं। अराउंड 2000 ईयर्स एगो, मतलब 2000 साल पहले मथुरा बिकेम सेकेंड कैपिटल ऑफ कुशाना। कुशाना का कैपिटल दोस्तों मतलब कहाँ था, पेशावर, उसके बाद मथुरा, मतलब कुशाना का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल था कनिष्क के बारे में आप अगले चैप्टर में पढ़िएगा, ठीक है। मथुरा वाज ऑल्सो ए रिलीजियस सेंटर, मतलब मथुरा रिलीजियस सेंटर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था, यहाँ बहुत सारे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री पाए गए हैं, जैन श्राइन्स पाए गए हैं, और ये वर्शिप ऑफ कृष्णा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था, मतलब आज के डेट में भी कृष्णा की पूजा यहाँ पर की जाती थी। सेवरल बहुत सारे इंस्क्रिप्शन यहाँ पाए गए हैं, स्टोन पर स्टैचूज वगैरह भी यहाँ पर मथुरा में पाए गए हैं, ठीक है, मतलब इसका बहुत सारा फंक्शन था मथुरा का। जनरली दीज आर, मतलब ये जो इंस्क्रिप्शन थे बहुत ही शॉर्ट होते थे, ठीक है, रिकॉर्डिंगली गिफ्ट्स मेड बाई द मेन, ठीक है, बहुत सारे मेन गिफ्ट लाते थे, दीज आर मेड बाई द किंग्स एंड द किंग्स, ये जो इंस्क्रिप्शन बनाए गए हैं राजा और रानी के दौरान, ऑफिसर्स के द्वारा, मर्चेंट्स के और क्राफ्ट पर्सन के द्वारा जो इस शहरों में रहते थे। फॉर इंस्टेंसेस इंस्क्रिप्शन फॉर मथुरा मेंशन, मतलब इन इंस्क्रिप्शन में गोल्ड स्मिथ्स का भी जिक्र होता है, ब्लैक स्मिथ्स का, वीवर्स का, बास्केट मेकर्स का, गार्लैंड मेकर, परफ्यूम, मतलब इन सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि ये सभी लोग यहाँ पर फंक्शन करते थे, काम करते थे, ठीक है। अब यहाँ क्या दोस्तों दिखा हुआ कि क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन, मतलब यहाँ पर क्राफ्ट और क्राफ्ट पर्सन कैसा था उस दौरान। तो इस दौरान जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉटरी, जो एक्सट्रीमली फाइन पॉटरी था, उसको क्या बोले जाते थे, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर। इसको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर इसलिए बोला जाता था क्योंकि ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पाया जाता था, सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता था, और इसका कलर ब्लैक होता था, ठीक है। फिर हम लोग ऐसे टेक्स्ट के बारे में देखेंगे जिसमें मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोथ वाज इंपॉर्टेंट बताया गया है, और बहुत सारे सेंटर जैसे वाराणसी और नॉर्थ में, जैसे वाराणसी नॉर्थ में है, मदुरई साउथ में, इसके बारे में बताया गया है। फिर आप लोग देखिए दोस्तों श्रेणीज के बारे में पढ़िए, श्रेणीज क्या होता था, क्राफ्ट्स पर्सन और जो मर्चेंट्स थे वो एसोसिएशन बनाते थे, ग्रुप बनाते थे, उस ग्रुप को क्या बोलते थे, श्रेणी।
जो सिरेनीज थे वो क्या क्या करते थे, क्राफ्ट्स पर्सन के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे, ये जो ग्रुप था ट्रेनिंग देता था, रॉ मटेरियल को लाता था और उसको फिनिश्ड ग्रुप बनाकर बेचता था, ठीक है। तो ये ट्रेड ट्रेड के लिए काम आता था, सिरेनीज बैंक के रूप में भी काम आता था, जहाँ रिच मैन और वुमेन अपना पैसे को डिपॉजिट करते थे, इन्वेस्ट करते थे, ठीक है। फिर आप यहाँ देखिएगा कि दोस्तों कि कैसे स्पिनिंग और वीविंग के लिए रूल्स होते थे। तो जो स्पिनिंग और वीविंग होता था दोस्तों, ये जनरली विडोज करती थी, यंग वुमेन करती थी जो डिफरेंटली एबल थी, मतलब कुछ काम नहीं कर पाती थी, नंस वगैरह थी, मदर्स ऑफ द कॉट्सियन, रिटायर्ड वोमेन, सर्वेंट्स ऑफ द किंग, वोमेन हु हैव रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विस, मतलब जो टेम्पल से रिटायर हो चुकी महिला, ये सभी काम करती थी, प्रोसेस करती थी उल को, बार को, कॉटन को, हेम्प को फ्लैक्स करके, ठीक है। इनको उनके क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ वर्क के लिए ही मतलब पैसा मिलता था, कितने वो करते थे। अगर जो औरत मतलब वहाँ जाकर काम नहीं कर सकती थी, वो अपने नौकरानी को बेचती थी, वो पूरे रॉ मटेरियल्स लाती थी और मतलब वो काम करती थी, काम करके मतलब वहाँ पर दोबारा फिनिश्ड ग्रुप को वहाँ मतलब सुपरिटेंडेंट के पास लौटा भी देती थी, ठीक है। और वोमेन सूड हु कैन विजिट, मतलब जो वोमेन वहाँ पहुँच कर काम कर सकती थी वो सुबह सुबह ही पहुँच जाती थी, ठीक है। और उनको उनका वेजेज मिलता था, अगर वो अच्छे से काम नहीं करती थी उनको पनिशमेंट मिल दिया जाता, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा कि एक क्लोजर लुक एट अरिकेमेडु। अरिकेमेडु दोस्तों जो पौंडीचेरी में आज के डेट में, ठीक है, इसके बारे में आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। ये जो था 2200 साल से लगभग 1900 साल पहले, अरिकेमेडु वाज कोस्टल सेटलमेंट। क्या था? कोस्टल मतलब समुद्र के किनारे सेटलमेंट था, जहाँ बहुत सारे शिप्स आते थे, सामान के साथ लोड होते थे, डिस्टेंट लैंड पर जाते थे, मतलब व्यापार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह था वो। वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े ब्रिक स्ट्रक्चर्स विच मे हैव बीन, उनका काम क्या था, वेयर हाउस, गोदाउन के रूप में बनाया जाता था, वहाँ पर पाए गए हैं। यहाँ पर पॉटरीज वगैरह भी आप लोग देखिएगा दोस्तों कि मेडिटेरियन रीजन में पाए गए हैं, जैसे एम्फोरी, जो क्या होता है, डबल हैंडल्ड जार्स होते थे, इसमें लिक्विड वगैरह, वाइन और ऑयल वगैरह रखे जाते थे। ये दोस्तों मेडिटेरियन रीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और मेडिटेरियन रीजन में क्या क्या पाया गया है, स्टाम्प्ड रेड ग्लेज्ड पॉटरी वगैरह भी पाया गया है, जिसको एरेटिन वेयर बोला जाता था, जिसका नाम परा एक शहर है इटली में, उसके नाम पर परा, ठीक है।